दोस्तों, अगर आपने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट को ओपन कर लिया है और साथ ही उसके अंदर कुछ पैसे भी जमा कर दिए हैं और अब आप उन पैसे को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बिना केवाईसी कंप्लीट किए हुए आप उन पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अमेजोन पे एप्लीकेशन का यूज करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बिना केवाईसी पैसे निकाल करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना केवाईसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसे निकालने के लिए मैं यहां पे अमेजोन पे एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूं, जिसके लिए मैं अमेजोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। इसके बाद में मैं अमेजोन पे के सेक्शन पे क्लिक कर देता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो अमेजोन पे वॉलेट बैलेंस है वो अभी 10 रुपये है। सो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में अमेजोन पे वॉलेट में पैसे ऐड करने की जो टैब है वो हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पर आपको उस अमाउंट को एंटर कर देना है जितना कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से निकालने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 रुपये एंटर कर दिया है। इसके बाद में मैं नीचे ऐड मनी टू बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में अमेजोन पे वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए हमारे सामने कई सारी पेमेंट गेटवे आती है, जैसे कि आप अपने अमेजोन पे वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू। सो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं प्लेस ऑर्डर एंड पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पे हमें अपने डेबिट कार्ड की डिटेल को एंटर करना होता है। यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड के नंबर को एंटर करना है, उसकी एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे आपको CVV नंबर डाल देना है और आपके नेम पे आपका क्या नाम है उसे यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल में मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा दिए गए वर्चुअल डेबिट कार्ड की डिटेल को एंटर करने वाला हूँ, जो कि हमें इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। जब आप व्यू कार्ड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड की सारी डिटेल को देख पाएंगे, जैसे कि आप अपने कार्ड नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह। सो यहाँ पे आपको इसी कार्ड की डिटेल को अमेजोन पे वॉलेट में यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी डिटेल को फिलअप कर लेता हूँ। सारी डिटेल को एंटर करने के बाद में मैं नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमें 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP मिलने वाला है, जिसे यहाँ पे एंटर करना होगा। OTP डालने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद में सक्सेसफुली आपके अमेजोन पे वॉलेट बैलेंस में 10 रुपये ऐड हो जाएंगे, जिसका मतलब दोस्तों ये है कि इस तरह से आप बिना KYC इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसे निकाल सकते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज करके। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि बिना KYC कंप्लीट किए हुए आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी।